हेलो सर, नमस्कार, कैसे हो? सर, क्लास में था, स्पीकर में डालूं? हेलो सर, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं क्या अर्जुना बैच में क्लास ले रहा था, अर्जुना बैच। अच्छा, गलत अरे बैच हो गया, सॉरी, गलत टाइम पे कॉल कर लिया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कोई ये बोले दिक्कत बच्चे, ये तो अर्जुना वालों, मनीष राज सर हैं, है ना? ये किसी पहचान के बात मोहताज तो है नहीं, मनीष है ना? पहचानेंगे। नहीं, एम आर बोलो सर, अभी मैं गलत। बोलूंगा ना, एम आर स्टार है ना? एम आर और ये किसी पहचान के मोहताज है ही नहीं, है ना? तो अरे यार, इनके बारे में मैं आपको क्या इंट्रो दूं, है ना? चलो एक बार बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर की तरफ से, आप सभी को हैप्पी दिवाली है। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना? हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे सर, थोड़ा बाकी सा अर्जुन का भविष्य सर, इनको ये दो चीन है ना, फ्यूचर दो ऑफ सर इनको दो चार बातें बढ़िया बढ़िया गाइड कर दो कि इनको 11वीं में किन बातों का ध्यान रखना है ना? इनको थोड़ा सर। बूस्ट कर दो। के सभी लोगों ने मिलकर मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है हाँ कि बच्चों को इतनी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो बिल्कुल इसको सर, और आगे बढ़ाया और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं ना। जो इनको कंटेंट मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के रिजल्ट ला के बढ़ा सकते हैं। ये नहीं हम इसमें पहुंचे हैं क्योंकि हमने रिजल्ट में बचाया है, और अगर बिल्कुल ये सर। हाथ मेहनत नहीं तो फिर इस प्लेटफॉर्म का कोई फायदा नहीं है ना। इसको तो इसलिए बनाया है कि हर गाँव गाँव का बच्चा जो हाँ मेहनत कर सकता है, मतलब जो मतलब बड़े कर सकता है, मतलब उसके पास तो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा। पीडब्ल्यू है, हम लोग तो क्या बूढ़े हो गए यार। नहीं नहीं सर, सर आगे एक, यही पढ़ेंगे, इसमें रहेंगे, पोस्ट में काम करेंगे, यही फ्यूचर। नहीं सर, ये आपकी बात बहुत सही है। ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारा स्कूल होता है, फिर हमारा बैकलॉग हो जाता है, हम किस तरीके से करें, क्या करें। चेंज होता है बहुत ज्यादा, तो बैकलॉग होता है। बस यही एटीट्यूड रहना चाहिए कि आज तुम अपना दिन बिताओ ना, कल से बेहतर होना चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल प्रोग्रेस करो, चलते रहो बस, सर, मैं इनको पता है क्या बस कहता हूं, इतना ही मैं है। इनको ये कहता हूं कि जी ठीक है, तुम्हारा 11th है, तुम्हारा स्कूल है, डिस्ट्रेक्शन है, जो भी है, कम से कम 70%, 75% 11th स्ट्रॉन्ग कर लो। पूरा करने को कौन कह रहा है? 75% भी अगर ये कर लेंगे तो उसके जल्दी बाद अपने अपने 11th से 12th में जाने में ये अभी से, एक महीना और है। अभी से छोटे समझते नहीं अभी होता है कि हाँ आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्चुअली चीजों को समझो। हाँ बाकी तो साम दाम बहुत समय है तुम्हारे आंसर का। बच्चा ना पता क्या करता है, बच्चा कहे तो क्लास में निकाल दो बस। अरे आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअली पढ़ो, और कंसेप्चुअली पढ़ने का मतलब जे एडवांस नहीं करना, तुमको पीएचडी नहीं करना, तुमको हाँ सारे सब्जेक्ट में समझना है चीजों को, समझ समझ के आगे बढ़ो, चीजें समझते जाओ, कंसेप्ट बिल्डअप करते चलो, धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल और में होगा। सभी चैप्टर्स के सभी फॉर्मूले तुमको याद रहने चाहिए, यही तुम्हारा सबसे बड़ा विजय है। बस हो बिल्कुल। गया, इससे ज्यादा क्या करेंगे। नहीं, बिल्कुल सर, लेवल तो दे आपने दिया। अच्छे से मोटिवेट कर दिया। आपका फोन भी सही टाइम पर आ गया, मैं क्लास में ही था ना? चलो मैं करता हूँ फिर, है ना? करता हूं मैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक सर, ठीक ओके सर, ठीक थैंक यू।